जैसा कि हमने बताया था कि आपको हर समय समय पर लाइट मेटल सूर्यागढ़ कंपनी की खूबियां आपको बताते रहेंगी, जिसमें से यह एक खूबी है, पर्यावरण को दूषित करने में लॉर्ड मेटल कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये मामला। जी हाँ, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में लॉर्ड मेटल कंपनी का सारा गंदा पानी स्वच्छ पानी को गंदा कर रहा है। यह पानी जानवर तो पीते ही हैं, साथ ही साथ इसे आलापल्ली की जनता भी पी रही है और डॉक्टर की जेब भर रही है, सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड मेटल सूर्यागढ़ कंपनी की लापरवाही की वजह से। आप देखेंगे कि पूरा रास्ता लाल लाल हो गया है, साथ ही धूप निकलने के बाद यही लाल मिट्टी श्वसन क्रिया के दौरान मनुष्य के फेफड़े में जम जाती है और फिर उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और आखिरकार उसे दवा खाने की शक्ल देखने में मजबूर करती है। लॉर्ड मेटल कंपनी, आखिरकार कंपनी इन सभी चीज़ों को अनदेखा क्यों कर रही है और लोगों की जान क्यों ले रही है? क्या कंपनी के उच्च अधिकारियों को यहाँ नहीं दिख रहा? क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यह सब नहीं दिख रहा? ऐसे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल से अगर कोई गरीब आदिवासी किसान लकड़ी काट कर अपने घर ले जाता है तो उसे सजा देती है। यहाँ तो पूरा का पूरा पानी ही दूषित हो रहा है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और वन्य जीवों के ही दूषित पानी पी रहे हैं। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यह काम नहीं कि लॉर्ड मेटल सूर्यागढ़ कंपनी को इस गलती से अवगत कराए और लॉर्ड मेटल सूर्यागढ़ कंपनी की मनमानी बंद करे? BCN न्यूज़ आलापल्ली से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।